हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक फुटवेयर इंडस्ट्री की धाकड़ कंपनी बताऊंगा, मल्टी बैगर स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फुटवेयर एक ऐसी इंडस्ट्री है फ्रेंड, जिसमें पैसा आपका बहुत ही तेजी से बनेगा। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिना जूते चप्पल पहने हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, और ऐसा नहीं है भाई कि एक बार हम लोग जूते चप्पल खरीद लिए तो उसे 10-10 साल यूज करते हैं, 1 से 1.5 साल ही यूज करते हैं। तो आप लोग ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा तो क्यों नहीं पैसा बनेगा। आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, 10-20 हजार रुपए ला के छोड़ दीजिए, 10-20 सालों के लिए कई गुना पैसा बन जाएगा। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ वाली रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पे किसी स्टॉक को जगह दो, वरना आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 889.30 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 1186.97 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, हाफ ईयरली 889 से 1186 हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 890.79 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 1191.27 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है, 890 से 1191 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 119.23 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 167.88 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 119 से 167 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो एबिटा था वो 120.20 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 172.18 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है, हाफ ईयरली 120 से 172 हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 59.40 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 19.03 हो चुका है। तो भैया ये भी शानदार है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। मार्च 17 में जो पैट था वो 59.40 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 90.03 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका हाफ ईयरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कमी होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे। तो देखो, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 1480.81 था मार्च 15 में, 1480.81 था, और मार्च 19 में देख लो 2292.08 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 1480 से 2292 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 1481.21 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 2000
305.06 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज 1481 से 2305 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 200.64 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 324.31 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 200 से 324 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 201.03 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 337.29 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 201 से 337 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम ही रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है और किसी भी ईयर में कम ही रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 103.05 था मार्च 15 में, 103.05 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 175.44 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 103 से 175 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 103.05 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 175.44 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आने वाले समय में ये कंपनी आपको कई गुना रिटर्न बना के देगा, वो भी बहुत ही तेजी के साथ। रिलैक्सो फुटवेयर का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है फ्रेंड वो जूते चप्पल बनाती है, जूते चप्पल का फ्रेंड डिमांड हमेशा रहेगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक बात भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012-13 में इस स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुई थी और मेरे पास भी उस समय इस कंपनी का शेयर था, और भैया उस समय ये बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी। तो क्या हुआ था कि जब मैं पैसा लगाया, मेरा भाई पैसा लगभग 75% 90% मेरा जो कैपिटल था भाई वो खत्म हो गया था, तो मैं सेल कर दिया। और आज ये स्टॉक देख लो वहां से कई गुना रिटर्न बना के दे चुका है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अच्छी कंपनी का भी शेयर सेल कर देते हो। और मैं भाई उससे मैं नया नया था, मेरे को भाई ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 2-2.5 साल ही हुए थे और मेरे पास पैसे भी बहुत ही कम थे और नॉलेज तो भाई कुछ भी नहीं था, जीरो था। पर कोई बात नहीं भाई, मैं पैसा बनाया हूँ, कैंपिन होम से पैसा बनाया हूँ, बजाज फाइनेंस से पैसा बनाया हूँ, और भी कई सारी कंपनी है, एक्सेल इंडस्ट्री, भारत रसायन जैसी कंपनी में पैसा बनाया हूँ, ऐसा नहीं है। रिलैक्सो फुटवेयर का आपको मैं ब्रांड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रांड देख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ब्रह्मास, इस ब्रांड के शायद ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, हमारे सुपरस्टार, यहाँ पे देख सकते हो। और भी मैं आपको ब्रांड दिखा दे रहा हूँ, स्पार्क दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो स्पार्क का भाई जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूते चप्पल होते हैं स्पार्क के। और भी मैं आपको ब्रांड दिखा दे रहा हूँ, फ्लाइट, फ्लाइट का भाई जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रणवीर सिंह है, और फ्लाइट के भाई स्लीपर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो प्राइस भी मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मल्टी बैगर वाइज स्टॉक है, आने वाले समय में ये कंपनी कई गुना रिटर्न बना के देगा। और भाई देखो फुटवेयर एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पैसा बनेगा, डिमांड इसका कभी भी कम नहीं होने वाला है। रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखो भाई, ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 11,445.69% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। यानी ये कंपनी पिछले 10 साल में 100 गुना से भी ज्यादा हुआ है। तो आप इस कंपनी में पैसा लगाइए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। अब तो ये कंपनी 11,000% रिटर्न बना के नहीं देगा, लेकिन भैया 10 साल में ये कंपनी आराम से 1,500-1,600% रिटर्न बना के दे सकता है। तो अभी से ही पैसा लगाना शुरू कीजिए। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 132.81% रिटर्न है 3 साल में, देख लो 3 साल में रिटर्न है वो 99.17% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 32.85% रिटर्न है 1 ईयर में, देख लो भाई 1 ईयर में रिटर्न है वो 7.59% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है -4.27% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 23.90% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है 2.17% रिटर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 23% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में 12.13% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है -1.64% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में 7.85% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है 1.63% रिटर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में 2.94% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है -1.02% रिटर्न है। रिलैक्सो फुटवेयर का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 71.02% होल्डिंग है, एफआईएस के पास जो होल्डिंग है रिलैक्सो फुटवेयर में 2.69% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी एफआईएस की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है रिलैक्सो फुटवेयर में 6.13% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है 0.02% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 20.14% होल्डिंग है। कोई भी शेयर भाई रिलैक्सो फुटवेयर का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रिलैक्सो फुटवेयर का। पी रेशियो रिलैक्सो फुटवेयर का 61.28 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू रिलैक्सो फुटवेयर का 9.94 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो रिलैक्सो फुटवेयर का 0.16% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी लेटेस्ट देख लो भाई, 22.01 का आरओसी लेटेस्ट है। आरओई देख लो 16.22 का। वैल्यूएशन देख सकते हो भाई, फेयर बता रहा है। तो अभी ये स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा रिलैक्सो फुटवेयर का वो 225 से 402 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख लो भाई गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का रिलैक्सो फुटवेयर का वो 13.35% का है। एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है भाई वो 18.55% का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड किस तरह से रिटर्न बना के दिया है। तो देखो भाई 10 साल में रिटर्न है वो 11,396% रिटर्न है, 5 साल में 319% रिटर्न है, 3 साल में 98% रिटर्न है, 1 ईयर में 7% रिटर्न है, ईयर टू डेट में 23% रिटर्न है, 1 मंथ में 11% रिटर्न है, 1 वीक में 7% रिटर्न है। रिलैक्सो फुटवेयर का 52 वीक हाई है वो 497 रुपया, 52 वीक लो है 333 रुपया। सेंटीमीटर की बात करो तो 83% बोल रहे हैं बाई कीजिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 17% बोल रहे हैं सेल कीजिए। मार्केट कैप देख लो भाई, 11,237.77 का मार्केट कैप है। पी जो है रिलैक्सो फुटवेयर का 62.74 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 48.39 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले रिलैक्सो फुटवेयर का पी हाई है। बुक वैल्यू जो रिलैक्सो फुटवेयर का 44.54 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर से देख लो भाई रिलैक्सो फुटवेयर का 7.22 का अर्निंग पर से है, फेस वैल्यू 1 का है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करवाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।